चतुष्टदशाङ्गुलम् पुरुख एवेदघो सर्वं जगभूतं चच्च भाव्यम् उतामृत तवसिये सानो जादन्नेन तिरोहति एताभानस्य महिमातो ध्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्व भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदे पुरुखः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विखवञ्जकरामत्सन नसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधे पुरुखः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः अदौर्गवेदः ॐ द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य त्रयंशत द्रविणोदा वीरमतिरसन्न द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः अथ यजुर्वेदः हरिः ओम् बृहस्पते अतियादर्जो अरेह द्योमद्विभाति क्रतु मज्जनेखो छद्दीदयच्छवसरित प्रजा ततदशमासुद्रवीणन् धेहि चितरम् सामवेदः ॐ अगन आयाहि वीताय क्रेणानो हव्यदान्ताय निहोता सस्ति बर्हिषि अथर्वेदः ॐ सन्नो देवी रविश्चय आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः हरिः ओम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षघो शान्तेः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वघो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राम महाराज की जय। जय महाराज, जय महाराज, जय गिरनारी। प्रातस्मरणीय योगिराज अवधूत श्री संतराम महाराज की ये तपोभूमि में सही मायनों में ये गुरु तत्व और गुरु पद जानने की, उसके अंदर झांकने की और अंततः उसे प्राप्त करने की ये भूमि है। गुरु परंपरा से जुड़ी ये संतराम महाराज की तपोभूमि पूरे भारतवर्ष में ये एक ही भूमि है जहां के मूल पुरुष यानी के आदि पुरुष श्री संतराम महाराज सबके गुरु है। गुरु परंपरा से जुड़े वर्तमान महान परम पूज्य गुरु रामदास जी महाराज और उनके संतगण सभी के गुरु आदि संतराम महाराज ही है। ये एक ही भूमि है जहां के महंत मंदिर परिसर छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते। ये एक ही भूमि है कि जहां के महंत आकाशीय वृत्ति
यानी कि किसी के पास से कुछ मांग नहीं सकते, और अपना जीवन निर्वाह और जो भी धन आता है वो सब समाज के उपयुक्त होना चाहिए, समाज के कार्य में लगना चाहिए। बस इसी सिद्धांत के साथ गुरु परंपरा को पूजते हुए पूरी श्रद्धा सबर परम पूज्य गुरु रामदास जी महाराज ने जन सेवा यानी के जीव मात्र की सेवा का बेख लिया हुआ है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे भारतवर्ष में 250 से भी ज्यादा संस्थाओं को पूरे साल भर का अनाज यहां से दिया जाता है। और एक आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे खेडूत है, जो फार्म है जिनके, इनके वहां जितने भी अनाज होते हैं, गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, तो वो महाराज जी का हिस्सा रखते हैं और अपने सिर पर उठा के वो महाराज जी के चरणों में भेंट करते हैं। तो बहुत गुरु के प्रसाद समझ के पूरे भारतवर्ष में सभी संस्थाओं को वो दिया जाता है। तो ऐसी गुरु परंपरा और ऐसी दिव्य अखंड ज्योत के पावन सानिध्य में और एक बात आपको जनाने में, आपको सूचित करने में मुझे बहुत हर्ष होता है। सुबह 6 बजे जब मंदिर के कबाड़ खुलते हैं सुबह 6 बजे जब मंदिर के कबाड़ खुलते हैं तो ईश्वर की गुरु की स्तुति तो होती है, लेकिन साथ में उसे साथ साथ वैदिक राष्ट्र गीत गायन जाता है, यानी कि राष्ट्र की आराधना भी होती है। तो ऐसे पावन धरा पे माने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमारी उंगली पकड़ी हुई है और उसे गुरु को पहचानने में, गुरु की सेवा करने में हमें अपने साथ ले जा रही है। तो माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए
ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमृतं द्वंद्वा गगन सदृश तत्त्वमस्याति लक्ष्यं एकं नित्यं विमल साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं ज्ञानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यः परिपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्री सद्गुरुनाथ महाराज निरंजन जय गुरुदेव
Thank you.
हरे राम हरे कृष्ण સાક્ષાત પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ દિવ્ય જ્યોતિ કે રૂપ મેં જિનકી પ્રત્યક્ષ રૂપ મેં મૌજૂદગી હૈ અપની ચર્મ ચક્ષુઓ સે ભી હમ જિને देख पा रहे हैं। ऐसे श्री संत राम जी महाराज श्री की ज्योति स्वरूप की दिव्य निश्रा में स्थान के वर्तमान महंत पूज्यपाद श्री रामदास जी महाराज श्री के आशीर्वाद उनकी आज्ञा जिसके परिणाम रूप संतों की पावन उपस्थिति में आज विशेष रूप से हमारे मूलदास जी महाराज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी संत विभूतियों की पावन उपस्थिति में आप सबकी जिज्ञासा के प्रत्युत्तर स्वरूप गुरु तत्व को
गुरु पद को, गुरु स्थिति को, गुरु की गुरुता को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। कि वो भूमिका है, गुरु भूमिका ही है, और यही कारण है कि यदि भूमिका बनती है तो केवल और केवल भूमिका संपन्न गुरु के द्वारा ही भूमिका का निर्माण होता। जैसे धनी ही धन दे सकता है, जमीन वाला जमीन दे सकता है, जिसके पास बहुत ज्यादा खून है वो खून दे सकता है, सुविधा है वो सुविधा दे सकता है। उसी प्रकार कोई भूमिका वाला ही भूमिका प्रदान कर सकता है। जैसे जल पृथ्वी में जाता है, बीच तक बारिश का पानी उतरता है और बीच तक पहुंचता है, और बीच अंकुरित होता है, ठीक उसी प्रकार जब गुरुत्व शिष्यत्व के अंतःकरण में गुरुत्व की धारा उतरती है, तब शिष्य शिष्य नहीं रहता, वो बीज बनकर अंकुरित होता है। और इस प्रकार के बीज की, इस प्रकार के अंकुर के प्रकट होने के साधकों के जीवन में बड़ी आवश्यकता है। जब तक ये बात नहीं बनेगी तब तक जीवन पूर्णता की ओर नहीं जाएगा। जब गुरुत्व उतरेगा हमारे भीतर तब व्यक्ति का आत्मबीज अंकुरित होता है। हम लोगों ने बीज को तो बहुत मनाया, मनाना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि हमारे बीज में कितना अंकुर निकला, बीजांकुर कितना प्रकट हुआ, बीज कितना अंकुरित हुआ। हम जितने भी बीज शरीर को दे रहे हैं उसका हेतु तो यही है। एक रोटी खाओ तो कितने बीज खा जाते हैं, कितने गेहूं खा गए, दो चार पांच रोटी खाते तो कितना बीज हमारे पेट में गया। यदि कटोरी भर चावल खाया तो हजारों बीज हम खा गए, कटोरी भर दाल पी, बहुत सारे दाल, बहुत सारे बीज हम चबा दिया, हमने हमारे पेट में जाने के बाद उसकी क्या दशा होने वाली हम सब जानते, हम उसको उसको चबा लिया हमने, वही गेहूं वही चावल वही दाल अगर खेत में बोए होते तो तब क्या उसका परिणाम होता। और जब हमने चबा लिया और पेट में पहुंचाया तब उसका क्या परिणाम है। दिन भर में हम लोग हजारों बीज खा रहे, हम हजारों बीजों को, गेहूं को, चावल को, दाल को, हजारों बीजों को हम चबा लेते हैं दिन भर में। यदि हमने इसको चबाया नहीं होता, खेत में कर दिया होता तो एक से लाखों बन जाता था, पर हमने चबाया, पा लिया, हमने पेट में चला गया, ये क्रिया
बीज को अंकुरित होने से हमने रोक दिया, लेकिन फिर भी वो क्रिया तब दोष नहीं है, तब अपराध भी नहीं है कि दिन भर में हजारों हजारों बीज खा करके हम इस शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ करके अगर किसी गुरु की शरण ले लेते, साधना कर लेते और करोड़ों बीज खाकर भी अगर हमारे आत्म बीज का विकास हो जाता तो वो दोष नहीं बनता था, तब दोष नहीं बनता था। न तो हमें उसको उगने दिया, न तो हम खुद उगे, ये अपराध है। यदि हम उन बीजों को खा करके अपना जीवन विकास, अपना आत्म विकास नहीं कर लेते, वामन से हम स्वयं विराट नहीं बन जाते हैं, तो फिर उसको उगने दो, तो फिर क्यों उसको नष्ट किया? करोड़ों बीजों को इंसान खाता है, आखिर हेतु एक है, उसको वामन न रह करके विराट पद को प्राप्त करना है, और उस वही विराट पद गुरुपद है। जब तक जीवन रहे, अनगिनत बीजों को चबाते गए चबाते गए चबाते गए, वो सब नष्ट हो गए, और इससे परिणाम क्या हुआ तो कहेंगे 10 किलो वजन बढ़ गया। अब इसका परिणाम सिर्फ हमारे जीवन में इतना है कि कुछ वजन बढ़ गया, वजन बढ़ने से कुछ परेशानियां बढ़ गई, वजन बढ़ने से कोई बीमारियां बढ़ गई, परिणाम तो यही हुआ सर। बीज का विकास होना चाहिए, बीज को मनाओ, लेकिन बीज तीज भी हो इसका प्रयास करें। चतुर्थी में जाए, पंचमी में जाए, इस तरह से हमें पूर्णिमा तक यानी पूर्णता तक पहुंचना चाहिए, और पूर्णता इसको कहते हैं पूर्णतः व्यक्ति तृप्त हो। किसी वस्तु का अभाव न हो ये पूर्णता नहीं है, वस्तु के अभाव की पीड़ा न हो ये पूर्णता है। गुरु ये देता है, वस्तु के अभाव का कष्ट न हो। कोई 100 वर्ष जीवित रह करके मरता है, लोग ही मानते हैं कि पूरा जीवन जी लिया, लेकिन 125 वर्ष तक भी रह जाओ उसके बाद भी मृत्यु हुई तो ये पूर्ण जीवन नहीं है। पूर्ण जीवन इसको कहते हैं, चाहे 20-25 में भी क्यों न चले जाए, लेकिन व्यक्ति स्वयं तृप्त होकर के जाता है तो 100% जीवन है। अभाव की पीड़ा न हो, अभाव का एहसास न हो, जो चीज मिली है उसको लेकर शिकायत न हो, और जो नहीं मिली है उसको लेकर के पीड़ा न हो। अगर ऐसा 20 साल में हो गया, 30 में हो गया, 40 में जब भी हो गया, तो हम दीर्घायु है कि जो मिला है उसकी उसको लेकर कोई शिकायत नहीं, नहीं मिला है उसको लेकर कोई पीड़ा नहीं है, यह है दीर्घायु। फिर उम्र कितनी भी हो, तो सही अर्थ में दीर्घायु बनने का उपाय यही है कि हमें उन शरण में जाना पड़ेगा जो स्वयं तृप्त है। गुरु
महत्व सभी परिस्थितियों में सम होता है, यह उनका परिचय भी है। देखकर कैसे समझेंगे कि इनमें कितना गुरुत्व प्रकट हुआ है, ये गुरु है कि क्या है कि नहीं है, इसका कोई लेबल तो होगा नहीं, तो हम कैसे समझेंगे कि गुरु है कि नहीं है। ये गुरुत्व की पहचान होती है। वो अपने आप में तृप्त होता है, कुछ दे करके उनको रिझाया जा सकता है, जिनको जिस चीज का अभाव हो गुरु को कुछ देकर नहीं रिझा सकते। गुरु को रिझाने का एक ही उपाय है, हम अपने आप को रख दे, और कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो अतृप्त है ही नहीं। तृप्ति का उपाय भी हम उसके लिए कर सकते हैं जो अतृप्त हो, उसी को रिझाने की कोशिश की जा सकती है कि जो नाराज हो, लेकिन जहां न तो नाराजगी है न तो अतृप्ति है, उसको हम कैसे तृप्त कर सकते। उनको रिझाने का क्या उपाय है हमारे पास। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम है कैसे रिझाऊ। नहीं वस्तु कोई ऐसी तेरी पूजा में लाऊं मैं, नहीं वस्तु कोई ऐसी तेरी पूजा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझा। I'm
જાણે કા કોઈ ઉપાય નહીં, ક્યોકે વો નારાજી નહીં, ઉનકો તૃપ્ત કૈસે કરે, વો અસંતોષ છે નહીં. ધીરે ધીરે યે બાત શિષ્ય કો સમજ મે આ જાતી હૈ કે હમ ઉનકો તૃપ્ત કરને કે લિયે નહીં આયે, હમ સ્વયં કો તૃપ્ત કરને કે. हर शिष्य हमेशा यही सोचता है कैसे खुश होंगे, क्या अच्छा लगेगा. और हम जो भी कुछ सेवा करते हैं इससे वस्तु धन्य होती है, चीज सार्थक होती है, लेकिन इससे वो तृप्त नहीं हो जाता, क्योंकि अतृप्त ही नहीं है. तो वस्तु की सार्थकता के लिए हम सेवा करते हैं. समुद्र की पूजा के लिए भी चम्मच भर जल लिया जाता है. समुद्र की पूजा इसी तरह होती है. समुद्र की पूजा में जल का लोटा लेकर लोग बैठते हैं और चम्मच में जल लेकर स्नानम समर्पयामि कराते समुद्र को. तो पूजा करने वाले को भी पता है દુનિયા ભર મે જીતના પાણી હૈ સબ આખિર સમુદ્ર કી દેન હૈ, સમુદ્ર સે ઉપર ગયા હૈ ઉસી કી દેન હૈ, સબકો પતા હૈ. લેકિન હમ અપની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતે હૈ, હમ અપની દીનતા કો પ્રસ્તુત કરતે હૈ કે હમ યે હૈ, હમ યે હૈ. હમ અપની અપની સ્થિતિ કો રખતે હૈ ઉનકે સામને કે હમ યે હૈ. इससे पूजा नहीं हो जाती, इससे वो स्नान नहीं कर लेता. हम ज्योत की पूजा भी ज्योत से करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. ये जानते हुए भी कि इसी ज्योति से सूर्य प्रकाशित है, इसी ज्योति से चंद्र प्रकाश, ये जानते हुए भी हम ज्योत की पूजा के समय ज्योत प्रकट करते हैं. क्योंकि ज्योत का मूल्य ज्योत ही समझ सकती है, इसलिए. जल का मूल्य समुद्र ही समझ सकता है, क्योंकि वो तद्रूप है, इसलिए उसका मूल्य वो समझ सकता है. हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, या फिर हमने हम अपनी जो स्थिति है निष्कपट होकर के उनके सामने रखते हैं. हम चम्मच पर जल से आपको स्नान करा रहे समुद्र, तो ये हम अपनी स्थिति रखते हैं जो रखनी चाहिए. ये भी बड़ी महत्व की क्रिया है. इसे समुद्र स्नान नहीं कर लेगा, हम एक चम्मच से स्नान करा इसे समुद्र का स्नान नहीं हो जाता. हाँ, लेकिन एक चम्मच भर पानी समुद्र जरूर बन जाता. इससे सार्थकता होती, चीज की सार्थकता होती है. कि जब हमने सदगुरु के ऊपर एक चादर चढ़ाई है तो इससे गुरु को नहीं गर्मी लग जाएगी, न उनकी ठंड मिट जाएगी, उनको यह ठंडी गर्मी होती नहीं, लेकिन उसके तार तार सार्थक हो जाते हैं. वस्तु की सार्थकता है क्या. और हम अपनी स्थिति को उनके सामने स्पष्ट करते हैं कि ये हमारी अज्ञानता समझो, ये हमारी नादानी समझो, ये हमारी मूढ़ता समझो, जो भी समझो, हम ऐसा है. वास्तव में गुरुत्व का परिचय है कि गुरुत्व
સદૈવ તૃપ્ત હોતા. જિસમે ભી ગુરુત્વ પ્રગટ હો ગયા હોગા ઉનકો કભી ભી દેખો વિશેષ મોકે પર તો હર કોઈ ખુશ હોતા લેકિન ગુરુત્વ જિસમે પ્રગટ હુઆ હૈ ઉનકો કભી ભી દેખો કિસી ભી એંગલ સે દેખો. અનુકૂળતા મેં દેખો, પ્રતિકૂળતા મેં દેખો, લાખો કી ભીડ મેં દેખો, પાંચ લોગો કે બીચ મેં દેખો, જબ વો પૂરી તરહ સ્વસ્થ હૈ તબ દેખો, જબ અસ્વસ્થ હૈ તબ દેખો. અનુકૂળતાઓ કે બીચ મેં દેખો, પ્રતિકૂળતાઓ કે બીચ મેં દેખો, જય જયકાર કે બીચ મેં દેખો ઓર અપમાન કે બીચ મેં દેખો, અનાદર કે બીચ મેં દેખો. ગુરુત્વ કી સ્થિતિ મેં કોઈ ફરક નહીં પડતા, ઉનકી પ્રસન્નતા મેં કોઈ ફરક નહીં પડતા. ઠહાકે માર કર હસના એ ગુરુત્વ કા સ્વભાવ નહીં હોતા, ઓર બાત બાત મેં રો પડના એ ભી ગુરુત્વ કા સ્વભાવ નહીં. ગુરુત્વ પ્રસન્ન હોતા યે સ્થિતિ હૈ જબ ગુરુત્વતા જાગ જાતી હૈ. ऐसे कोई भी महापुरुष कभी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि वो इतने सारे मजाक में आ गए, उतने सारे मजाक नहीं करते, क्योंकि ठहाके लगा के हंसना ये भी उनका काम नहीं है, क्योंकि वो ही रोता है जो ठहाके मार कर हंसता है, वो ही रोता है जिसने ये नहीं किया वो उसको ये भी नहीं करना. આત્મન્યવાત્મના તુષ્ટ જિસે પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત હોતી હૈ વો ચીજ દૂર નહીં હૈ ઓર જો દૂર હૈ વો ચીજ હમારી નહીં હૈ ઉસકી હમે કોઈ જરૂરત નહીં. જો દૂર હૈ વો હમારી નહીં હૈ ઓર જો હમારા અપના હૈ વો તન મેં મન મેં નયનન મેં. केवल कबीर जी का नाम सुनकर कोई उनसे मिलने गए तो कबीर के परिवार वालों ने कहा कबीर जी तो किसी की शमशान यात्रा में गए हैं अभी, तो उन लोगों को जल्दी थी. वो बोले हमें तो दर्शन करना है, बस दूर से दर्शन करके हम चल जाएं, तो आप बताइए आपके नगर की शमशान भूमि किधर है, हम वहीं दूर से उनको नमन कर लेंगे. रास्ता बताया और उन लोगों ने पूछा हमने देखा नहीं है कभी कबीर को, तो परिचय क्या है, क्या पहनते हैं आप हमें बताइए, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा कुर्ता है, ऐसा टोपा है, ऐसी जटा है या ऐसा मुंडन है या जो भी कुछ उनका है परिचय हमें बताए, तो हम समझ ले दूर से कि यही कबीर है. तो कबीर के परिवार वालों ने कहा कि शमशान भूमि में अन्य लोग जितने उदास होंगे उतना कबीर उदास नहीं होगा, और शमशान से बाहर निकलने के बाद अन्य लोग जितने मजे में होंगे कबीर उतने मजे में भी नहीं होंगे. लोग बाहर निकलकर उस उदासी से निकल जाएंगे बाहर, और फिर हंसते होंगे, बातें करते होंगे संसार की, व्यवहार की, एक अध्याय खत्म हो गया बस. तो अग्नि संस्कार अंतिम संस्कार के बाद अन्य लोग जितने खुश होते हैं कबीर उतने खुश भी नहीं होंगे, और अग्नि संस्कार के मौके पर अन्य लोग जितने उदास होंगे कबीर उतने उदास होंगे. ये स्थिति है, कितनी भी कितने भी देवी देवताओं की पूजा करो लेकिन जब तक किसी स्थिति वाले महापुरुष की शरण ग्रहण नहीं करोगे तब तक स्थिति नहीं बनेंगे, और बिना स्थिति के पूजा पाठ उसमें कोई आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आनंद पूजा का नहीं है स्थिति का.
आनंद पाठ का नहीं है, स्थिति का है। लंबे चौड़े पाठ करके लोग थक जाते, लेकिन बिना स्थिति के हम लोगों को यही पता नहीं पाठ का मतलब क्या होता है। पाठ का मतलब व्यवहार होता है। जब कोई नाटक में हिस्सा लेते हैं तो कहते हैं कि ये पाठ इसके हिस्से में है। गुजराती में कहते हैं पाठ भजवी दे दो, तो पाठ भजे हुआ माटे से, पाठ जीने के लिए होता है कि हमें कौन सा पाठ, क्यों पाठ हमारे भजवाना, पाठ कहो अंग्रेजी मायने पाठ की तो हमें कौन सा, हमें कौन सी भूमिका निभानी है, हमें कौन सा रोल करना है। एक ही स्तोत्र को, एक ही पद को अनेक बार पढ़ते 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 हमें उसकी गहराई को समझना है आखिर, क्योंकि जिसको भी कुछ एक्टिंग करनी है वो पहले उसी डायलॉग को 50-100 बार पढ़ लेते ना, ताकि गलती ना हो, रोल करने में गलती ना हो। तो इसीलिए 100-200 बार 50-100 बार उसी संवाद को पढ़ लिया जाए, क्योंकि बाद में हमें रोल करना है। लेकिन हमें तो रोल करना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही है। रोल के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हम, व्यवहार के लिए तैयार नहीं हो रहे। देवी देवताओं के पूजन में जब भूमिका होगी उसको परखने की, उसको समझने की, जो तत्व हमारे सामने, जिस देवता का पूजन करते हो वो हमारे भीतर कहाँ बैठा है उसका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बाहर से वो दिखने वाला है, भीतर से वो जागने वाला है। इसलिए बिना भूमिका का करने में आनंद नहीं आएगा, थकान जरूर होगी। देवी देवताओं का पूजन अर्चन महत्वपूर्ण है, अपने आप में सब जरूरी होता है, लेकिन बिना भूमिका का करने में परिणाम नहीं है। ये तो ऐसी बात हुई, 500,000, 200,000 बहुत सारे पौधे खरीद के आ गए, खरीद लिया, बस बाद में पता चला जमीन तो है नहीं अपने पास। अब खरीद तो बहुत सारे पौधे खरीद लिए, पूरी नर्सरी खरीद लिया हमने, हमें फूलों के पौधे लगाना है, फलों के लगा, पूरी नर्सरी हमने खरीद ली, लेकिन जब हजारों पौधे बोने के लिए हमारे पास आ गए और जब बात आई बोने की, कहाँ बोना है, बोले जमीन तो है नहीं। पहली गलती यही हो गई कि जमीन तो थी नहीं हमारे पास, तो पहले पौधा खरीदना है कि जमीन खरीदना। पूजा पाठ, देवी देवता, कुलदेव कुलदेवी सब सही है अपनी जगह पर, लेकिन पौधा पहला खरीदना है कि जमीन पहला खरीदना है। दृष्टि नहीं हमारे पास, आखिर ये क्या है, हमारे भीतर यही देवता कौन से स्थान पर मौजूद है, क्योंकि उसका आसन देखना पड़ेगा। बाहर जो बनाया हुआ आसन हमने बनाया है, लेकिन भीतर वो अपने आप आसन लगा के बैठा है, वो जागे। स्वामी विवेकानंद जी के प्रति परमहंस जी का जो प्रेम था, स्नेह था, ममता थी, वो इतनी अधिक थी, बड़ी प्रसिद्ध बात, बहुत ज्यादा थी। ऐसी भी घटनाएं मिलती हैं, जब परमहंस जी के यहाँ कोई गया तो परमहंस जी ने उसको कहा कि आप जानते हो नरेंद्र को, बोले हाँ हमारे पड़ोस में ही रहता है, तो बोले उसको भेजना, कल भेज देना, बहुत दिन से नहीं आया। वो लोग वहां रुकने वाले थे, वो हाँ बोल के सो गए, लेकिन घंटा भर में परमहंस जी ने उनको जगाया, आप नरेंद्र को जानते हैं क्या,
बोले हम जानते हैं, हमने कहा ना हम कल भेज देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर आधे घंटे में जगाया। आप नरेंद्र को जानते क्या? जब ये बात विवेकानंद जी के ध्यान में आई, उनको ऐसा लगता था कि परमहंस जी का मुझसे मोह है, तो उन्होंने कहा भी कि आप इतनी माँ की पूजा करते हैं, दिन भर काली के मंदिर में आप लगे रहते हैं, माँ के साथ भोजन करते हैं, उसी थाली में जब माँ बेटा साथ में करेंगे तो माँ की थाली से भोजन ले, तो इतना आप जब माँ की पूजा में होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप तो उसी में तद्रूप है। लेकिन जब आप मेरे लिए पागलपन करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक संत को, एक समर्थ महापुरुष को लोग जिन्हें इतना मानते हैं, ये शोभा नहीं देता आपको। अगर किसी ने देख लिया आपको ये नरेन 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 नरेन, ये ठीक नहीं लगता। आपका मोह है मुझसे। तब परमहंस जी हंसने लगे। परमहंस जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मंदिर में माँ बैठी है, मुझे पूजा उसकी करनी है, और तेरे अंदर बेटी है प्रगट उसमें करनी है। मंदिर में देखनी है मुझे माँ को सिर्फ, लेकिन प्रगट मुझे इसमें करनी है। गुरु को सारी संभावनाएं नजर आती है शिष्य में। और इसीलिए उन शक्तियों को वो प्रकट करने की उसमें से कोशिश करते। बिना गुरु की शरण गए, बिना भूमिका वाले महापुरुष के सामने गए, भूमिका तय नहीं कर पाओ, भूमिका बन ही नहीं पाएगी। और बिना भूमिका का दुनिया भर से पढ़ करके सुन करके अगर ज्ञान अर्जित भी कर लो, तो उसके बाद भी बिना भूमिका का ज्ञान स्थिर नहीं होता। ज्ञान का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान का स्थिर होना महत्वपूर्ण है। भूमिका स्थिर हो जाए, स्वयं के ज्ञान में स्वयं को संदेह न हो, ये केवल गुरु से होता है। जिसने भूमि का संपन्न गुरु की शरण नहीं ली, उनके पास हो सकता है कि अन्य विद्वानों की तुलना में उनकी विद्वता अधिक हो सकती है, लेकिन वो ज्ञान को जी नहीं सकता, क्योंकि उसको खुद को भरोसा नहीं। वो सबको कहेंगे कि नड़ियादी धर नड़ियादी धर नड़ियादी धर, आप क्यों नहीं जाते? बोले मुझे नहीं लगता कि इधर है, तो खुद नहीं जाएगा। वो स्वयं जानता है, मेरा सुना हुआ है, मेरा पढ़ा हुआ है, मेरा अंदाज है। स्वयं के भीतर से भी कितना भी चिंतन की धारा, स्वयं के भीतर से ठीक मान लो पढ़ा हुआ नहीं है, सीखा हुआ नहीं है, स्वयं के भीतर से धारा प्रकट हो रही हो, तब भी बिना गुरु कृपा के व्यक्ति को स्वयं के ज्ञान पर विश्वास नहीं आता। इसलिए अपनी समझ पर गुरु की साइन करानी पड़ती है। जब तक गुरु मोहर नहीं लगा देते कि सही है, हाँ ये बिल्कुल सही, उसके बाद हम ज्ञान को जी सकते। ज्ञान होने से व्यक्ति ज्ञान को जी नहीं सकता। ज्ञान को जीने का उपाय है कि एक बार कोई भूमि का संपन्न सदगुरु कह दे कि तुम जो सोच रहे हो वैसा ही है, तुम्हें जो लगता है वो ही है। बार बार श्री जनक जी राम जी को देखकर कहते थे मुझे ऐसा लगता है। ब्रह्म जो निगम ने कही ब्रह्म
ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय बेस धरी की सुइया नहीं है, मेरी आंखों को दिखता है ये जगत नहीं है, ये जगदीश है, ऐसा मुझे लगता है। जनक जी बोले, मेरी आंखों के सामने है वो दृश्य नहीं है, ये दर्शन है। पेड़ को देखकर भी जनक जी कहते हैं, कुल मिलाकर इन पंक्तियों का सार है ये कि पेड़ को देखकर भी मुझे नहीं लगता कि ये पेड़ है, ये परमात्मा है। मेरी आंखों को न पेड़ दिखता है न कोई पंछी दिखता है, मुझे लगता है मेरे मेरे इष्ट के ये सारे नाम है। पेड़ भी, पंछी भी, पृथ्वी भी, सब कुछ जो भी नाम दिया है हमने दुनिया की चीजों को, जनक जी कहते हैं मुझे इन सब में वो ही रमता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है, लेकिन जनक जी ये नहीं कह रहे हैं ये पेड़ नहीं परमात्मा है, ये कोई गुरुमुखी कह सकता है कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो विश्वास के साथ बोलेगा कि ये पेड़ नहीं है परमात्मा, ये पत्थर नहीं है परमात्मा है, ये आकाश नहीं है ये परमात्मा है, ये नहीं कहेगा मुझे लगता है। क्या ऐसा है, क्या मैं सही हूं? इतने बड़े महाराज जनक जी बोले, क्या मैं सही हूं? और उसके सामने देखिए श्री प्रहलाद जी को, उन्होंने खंभे में परमात्मा खंभे को देखा तो पूछा नहीं क्या ये भी भगवान है, मुझे लगता है कि इसमें भगवान है, कुछ नहीं। प्रहलाद जी ने कहा कि ये ईश्वर ही है, ये ही आता है गुरु कृपा से। ज्ञान स्थिति बने तभी आनंद है, तभी आनंद है। जब स्थिति नहीं बनता तो छूट जाएगा, कहीं रुमाल रह जाता है, कहीं मोबाइल रह जाता है, कहीं चप्पल छूट जाता है, कहीं झोला छूट जाता है, कहीं टोपा छूट जाता है, उसी प्रकार कहीं ज्ञान छूट जाता है। लेकिन जब गुरु कृपा होती है तब ज्ञान पहने हुए कपड़े की तरह नहीं होता, जब गुरु कृपा होती है तो ज्ञान अपने हाथ पैर की तरह हो जाता है, ऐसा नहीं होता कहीं हाथ रह गया, कहीं गए थे हाथ रह गया, कान छूट गया वहां पर, पैर छूट गया वहां पर, क्योंकि वो छूटने की चीज ही नहीं है, वो छूटेगा नहीं, वो हम है बस, इसलिए छूटेगा नहीं। उसी प्रकार जब तक ज्ञान कितना भी हो, पूर्व की तैयारी भी हो सकती है, पिछले जन्म की तैयारी हो, पिछले जन्मों का अध्ययन हो, ये सब होने के कारण कभी कभी कुछ लोगों में बिना पढ़े लिखे भी बचपन से उसमें चिंतन तो आ जाता है, लेकिन वो ज्ञान स्थिरता नहीं देता, वो ज्ञान प्रसन्नता नहीं देता, वो ज्ञान उसको सम नहीं बना देता। गुरु सम है, इसलिए गुरु राम है,
सम होना ही राम होना है। दुनिया के प्रति अगर हमारा सम दर्शन हो गया तो सम दर्शन ही राम दर्शन। आंखों में समता आ जाना और राम का आ जाना एक ही बात है। तो 5 वर्ष के प्रहलाद कहते हैं सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है, क्योंकि गर्भ से मिल गया है गुरु। और जनक जी पूछ रहे थे उभय वेश धरी की सोइया, उभय वेश धरी की सोइया, ब्रह्म जो निगम नीति कहिगा, ब्रह्म जो निगम नीति कहिगा, इन्हीं बिलोकत अति बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्म सुख के लिए मैं ध्यान लगा करके जब बैठता हूँ उस ध्यान में भी बंद आंखों से मुझे वो आनंद नहीं आता जो आनंद ये सब देख कर मुझे आता है। हम उस निजानंद के लिए तो आंखें बंद करते, लेकिन अब तो बंद आंखों में आनंद नहीं आता उतना जो ये जब देखते हुए आनंद आता है, क्योंकि अब दुनिया नहीं है अब दर्शन है। जब तक ये दुनिया थी तब तक आंखें बंद करने से ही आनंद आता था, और अब आंखें खोलने से परमानंद आता है। ये कौन है? क्या ये परमानंद है? क्या ये परमात्मा है? क्या ये भगवान है? मुझे जगत नहीं दिखता, मुझे जगदीश दिख रहा है। क्या ये सही है? अब यहां तक जनक जी पहुंच गए तो क्या कमी थी? और वैसे देखा जाए तो यहां तक किसने पहुंचाया? तब तक तो कोई गुरु नहीं था यहां। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने आप ये जगत है ही नहीं, ब्रह्म है। यहां तक जनक जी अपने आप पहुंच गए तो इसके बाद गुरु की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद तो बड़ी आवश्यकता है। बस इसी विचार पर कोई अपना सिग्नेचर कर दे कि तुम सही हो। ज्ञान तभी स्थिर होगा, ज्ञान तब स्थिति बनेगा, और जब स्थिति बनेगा तो हम ज्ञान को जी पाएंगे, और ज्ञान को जो जीता है आनंद उसी को आता। भूमिका का एकमात्र उपाय है भूमिका वाले महापुरुष की कृपा हो, और इसमें जब एक भूमिका संपन्न गुरु की हम पर कृपा हो जाती है तो इसका दूसरा परिणाम अपने आप है, दुनिया भर के भूमिका संपन्न संतों की कृपा प्राप्त हो जाए। वो सब सहज होता है फिर। एक एक गुरुत्व को प्राप्त विभूतियों से कृपा पाने के लिए हमें वो सब नहीं करना पड़ता बाद में। जब भूमिका वाले संत की कृपा हो गई तभी भूमिका संभव है, और बिना भूमिका के पंचोपासना में क्या मजा लोगे? क्योंकि समझ ही नहीं पाते ये सब है क्या। अब जब गुरु को ही हम साक्षात सूर्य समझ लेते हैं, अच्छी बात है,
तो उसके बाद सूर्य वंदन बंद कर देते। सदगुरु वो दृष्टि देते हैं कि हमें ये नहीं समझना है कि परमात्मा भीतर ही है, बाहर कहीं नहीं। परमात्मा भीतर है, बाहर कहीं नहीं, ये अधूरापन है। परमात्मा बाहर ही है, भीतर खोजने की जरूरत नहीं है, ये बात भी अधूरी है। सदगुरु अगर भूमिका संपन्न होंगे तो शिष्य को वो भूमिका प्राप्त होगी कि वो बाहर भी है और भीतर भी है। वो सूर्य वंदन भी करेगा, वो सदग्रंथों का पठन पाठन भी करेगा, वो मंदिर में दर्शन भी करेगा, उस साधु संतों की सेवा भी करेगा, लेकिन उसका अनुसंधान नहीं छूटेगा कि दूर नहीं है, दूर नहीं है, ये अनुसंधान भी नहीं छूटेगा। आजकल के जमाने में इस प्रकार की बातें लोगों को बहुत जल्दी जच जाती है। जब कोई कहते हैं बस मरीजों की सेवा करो और कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, गरीबों की सेवा करो, पूजा की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है, ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसी बातें जल्दी लोगों को जचती है, पढ़े लिखे लोगों को। जब कहेंगे उपयोगी बनो, योगी बनने की जरूरत नहीं है, योगी बनना आसान भी नहीं है, इतना कोई सरल भी नहीं है कि हर कोई बन जाए योगी। लेकिन इस प्रकार के सूत्रों से तो हम खुद को महिमा मंडित कर रहे हैं और योगियों की महिमा को कम कर रहे हैं, हम सन्यासियों की महिमा को कम कर रहे हैं। सही है कि हम गरीबों की सेवा करते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, तो हमें परमात्मा कहीं ढूंढने की आवश्यकता, भले बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये तब सत्य है जब सदगुरु हमको दृष्टि प्रदान करें और गुरु कृपा से, सदगुरु की दी हुई शक्ति से जब शिष्य परमार्थ का अधिकारी बनता है और जब परमार्थ करता है उसमें वो बात होती है। दो शब्द पढ़ लिए, दो शब्द सीख लिए, दो डिग्रियां मिल गई और उसके बाद हम कहने लगे ये तो सारे सूत्र रेडीमेड है, ये डिग्रियों का कारण है। जीवन का आनंद उससे नहीं आता कि हमारे पास डिग्री आए इकट्ठी हो जाए, डिग्री का आनंद आता है, डिग्री का थोड़ी आता है। डिग्री हो पर दिमाग ना हो, डिग्री ना हो तो क्या मतलब है। बिना भूमिका का कुछ नहीं। जिस प्रकार देवी देवताओं का पूजन अर्चन व्रत जप तप ये सब बिना समझे जब हम करते हैं, ठीक है, बिना समझे हम करते हैं तो हम उसी के नाम पर गलतियां भी करते हैं। बिना समझे करना तो गलत है ज्यादा कुछ, लेकिन बिना समझे छोड़ देना भी गलत है। हम इसका उसकी महिमा ही ना समझते और हम बोले कि हम जाएंगे ही नहीं मंदिर कल से बंद, भगवान को क्या फर्क पड़ता है। कल से हम गीता पाठ नहीं करेंगे तो गीता को क्या फर्क पड़ता है, जो फर्क पड़ेगा हमको पड़ेगा। ना समझी से करने का लाभ नहीं है, हानि भी नहीं है, उसमें लाभ हानि कुछ नहीं होता, लेकिन उस प्रकार ना समझी से विमुख हो जाना ये दुर्भाग्य है। ना समझी से कर भी लिया पूजा पाठ तो कोई बात नहीं, लेकिन ना समझी से विमुख हो जाए, दो डिग्री प्राप्त कर ले और उससे विमुख हो जाए वो गलत है। महत्वपूर्ण है जो भी करें, लेकिन पूरा प्रयास, भगवान शंकर जी भी गुरु गीता में कहते हैं कि पहले पूरे प्रयत्न से हमें अपना जीवन
गुरु की शरण कर देना चाहिए, पहले किसी का होना सीखा। बिना गुरु की शरण गए गणेश की पूजा, सूर्य पूजा, देवी पूजा, नारायण की पूजा, ये पंच उपासना जब हम बिना गुरु की शरण ग्रहण करें, जो लोग पंच उपासना करते हैं उसके अंदर द्वेत बढ़ जाता है, क्योंकि उसको अलग ही दिखता है, सब अलग अलग दिखता है और वो समझ नहीं पा रहे आखिर गणेश क्या है, विष्णु कौन है, शिव क्या है, और सबको अलग अलग मान करके पंच देवता की पूजा करोगे तो द्वेत कभी छूटेगा नहीं। संस्कार बने ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भरपूर प्रयास होना चाहिए कि कोई दृष्टिमान गुरु की शरण जाए, कहीं से हमें दृष्टि मिल जाए, कहीं से हमें आंख मिल जाए। प्रत्यक्ष गुरु होते हैं मनुष्य रूप में, प्रत्यक्ष गुरु मनुष्य होते हैं, भीतरी गुरु आत्मा होती है। व्यक्त गुरु का आश्रय करके ही हमें अव्यक्त गुरु तक पहुंचना होगा। प्रत्यक्ष गुरु मनुष्य है, कोई महात्मा है, कोई विरक्त संत है, भीतरी गुरु आत्मा है। और परम गुरु परमात्मा है। आरंभ तो यहीं से करना पड़ेगा, आरंभ हमें बाहर से ही करना पड़ेगा। गुरु जब अपनाना शुरू करते हैं तो फिर क्या करते हैं, गुरु हमारी बुद्धि का तार आत्मा से और आत्मा का तार परमात्मा से जोड़ते हैं। पर आरंभ होता है जो प्रत्यक्ष में है, वहीं से दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी। गुरु शिष्य की दुनिया ही आंख की दुनिया है, बस गुरु ने शिष्य को दृष्टि दे दी तो खुद को दे दिया, इससे आगे गुरु के पास कुछ नहीं बचता। अगर गुरु आंख दे दे तो गुरु कहेंगे अब मैं खाली हो गया, मैंने कई सिद्धों से ये सुना, मैं तो खाली हूं, मैं खाली हो गया हूं। क्योंकि आंख दे दी गुरु ने, इसका मतलब यह हुआ आंख देने के बाद गुरु ने अपने आप को लुटा दिया, खुद को ही दे दिया। उसके बाद न शिष्य को कुछ लेना बाकी रहता है, न गुरु के पास कुछ देने के लिए बचता है। हो सकता है कि ऐसे शिष्य को गुरु भी कहे अब जो तुम्हें जो करना करो, जैसे तुम्हारी मर्जी है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं, हम कुछ जानते नहीं है, हम कुछ, हमको कुछ आता नहीं है, हमसे कुछ होता भी नहीं है, हम तो खाली हो गए, हम कमजोर हो गए, हम तो बूढ़े हो गए, हमसे कुछ नहीं। क्योंकि दृष्टि दे दी अगर शिष्य को सदगुरु ने, फिर गुरु के पास देने को कुछ नहीं बचता। गुरु का मौन, गुरु जितना अधिक मौन होगा शिष्य उतना अधिक मुखर होगा। अब हम लोगों की समझ इस प्रकार की है कि अगर हमें वाणी चाहिए तो हमें कोई ऐसा गुरु पकड़ना पड़ेगा जो बहुत बोलता हो, बहुत बोलने वाला कोई गुरु होगा तो हमको भी बोलना सिखा देना। लेकिन समर्थों की परंपरा ऐसी नहीं है, अवधूतों की परंपरा तो ऐसी है, गुरु जितना मौन है चेला उतना मुखर है।
क्योंकि अपने शरीर से गुरु की वाणी प्रकट नहीं होती, दूसरे शरीर से उनकी वाणी प्रकट होती। गुरु जितना अद्भुत होगा शिष्य उतना अद्भुत होगा। शिष्य जो काम करेगा सारे कार्यों में, सारे कार्य में वो अद्भुत ही होगा, एक में नहीं। जिस समय जो कार्य वो करेगा, वो कार्य वो लिखता है तो उसका लिखना अद्भुत, वो चलता है तो उसकी गति अद्भुत, वो जो भी करेगा वो अद्भुत होगा। और अगर एक व्यक्ति जो करता है सब कुछ अद्भुत है तो ये प्रमाण है गुरु अवधूत है। केवल और केवल दृष्टि ही महत्वपूर्ण है, यही बात तुलसीदास जी कहते हैं। घर ही बिमल दिलो बिलोचन, निर्मल चक्षु गुरु का महाप्रसाद है। चक्षु दान कर देते हैं, गुरु के सारे तरीके एक ही हेतु से है, वो दृष्टि देना चाहते हैं। वो अपनाते हैं वो भी आंख देने के लिए, वो ठुकराते हैं वो भी आंख देने के लिए। गोदी में लेता है तो आंख देने के लिए, कभी कठोर बन जाता है तो वो भी आंख देने के लिए। तू तो आंख ही देना है, अलग अलग तरीका अपनाते हैं, कुल मिलाकर गुरु दृष्टि ही देना चाहते। उसके अधिकारी नहीं है हम तो, फिर पहले वो अधिकारी बनाते हैं। कारण एक ही है बस, और आंख दे दी बाद में गुरु चेला जैसा बन जाता है। बात बात में चेले से कहेंगे जैसी तुम्हारी मर्जी, क्या खाओगे बोले जो तू खिला दे। बाहर जाना है नहीं जाना बोले जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम बोलो तो जाऊं, तुम नहीं बोलो तो नहीं जाऊं, क्योंकि सब दे दिया अब क्या बचा। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि आप तो कहते थे कि चातक पक्षी स्वाति का ही पानी पीता है, दूसरा पानी नहीं पीता। मैं तो देखा था एक जगह पे, कल ही देखा मैंने, वो चातक था और पानी पी रहा था, गंदा पानी पी रहा था। परमसी हंसते हुए बोले तूने देखा था तो होगा शायद। अब तूने देखा तो मैं तुझे तो कैसे बोलूं कि तुम गलत हो। मैं गलत हो सकता हूँ, बूढ़ा हो गया मैं गलत हो सकता हूँ, तू तो हो ही नहीं सकता ना गलत। लेकिन अब मुझे दर्शन कराना है, अब जब कहीं तुझे चातक दिख जाए ना गंदा पानी पीता हुआ तो मुझे दर्शन जरूर कराना है। फिर जब देखा कभी वही पंछी दौड़ कर आए, चलो दिखाओ, परमजी भी गए और देखा, और फिर बाद में हंसते हुए कहा कि बैठो बैठो बैठो, अपने पास बिठाया। फिर कहा मैं जिस चातक की बात करता था वो चातक कैसा पता तेरे को, वो चातक कैसा होता है, ऐसा नहीं था वो चातक। असल चातक तो ऐसा होता है तुम्हारे जैसी आंखें हो, तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हो, ये तुम्हारे जैसे कान है ना, बस ऐसा ही कान हो,
तुम्हारे जैसे ऐसे लंबे लंबे हाथ हो, ऐसे चातक। विवेकानंद जी बोले तो ऐसा तो मैं हूँ, तो बोले तुम ही तो हो चातक। मैंने कहा दूसरे चातक की बात की थी। शिष्य वो चातक होता है वो केवल गुरु का ही अमृत पीता है, केवल गुरुत्व की धारा को पीता है, केवल गुरुमुख वाणी को ही ग्रहण करता और कुछ नहीं पी सकता। असैद्धांतिक बात को वो अपने भीतर ग्रहण नहीं कर सकता, वो जो भी ग्रहण करता है सैद्धांतिक करता है। एक सूत्र में संपूर्ण शक्ति को समाहित करके दे देना, ये केवल गुरु का तरीका। ऐसे सदगुरु मिले कि लाखों सूर्य उगे, उनका सत्संग सुनाना गजब हो गया। उनका सत्संग सुनाना गजब हो गया। सब कुछ एक बात में रख दे, ये भी गुरुत्व की पहचान है। जब लड्डू में आटा शक्कर घी सब होता है और हम अलग अलग खाए तो संतुष्टि नहीं होती, चीज तो वही है। कभी मुट्ठी भर शक्कर खा लो, फिर दो घंटे बाद थोड़ा आटा चबा लो, फिर कटोरी भर घी ले लो, तो बात तो वही है, पेट में तो लड्डू ही बन गया। इससे संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि तभी होती है कि जब ये मिला करके लड्डू बनाया जाए। ये तरीका कोई कितनी भी डिग्रियां इकट्ठी कर ले, लेकिन जब तक भूमिका संपन्न गुरु की शरण नहीं जाते तब तक संतुष्टि वाली बात नहीं बनती। क्योंकि सदगुरु का तरीका ये है। दूसरा, गुरु की गुरुता ये भी होती है कि उनका प्रयास ये होता है कि कम से कम समय में मेरे आश्रित को अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए। जबकि विद्वता की दुनिया ऐसी होती है कि लंबे समय तक कार्यक्रम चलना चाहिए। जैसे कुछ डॉक्टर चाहते हैं ना कि 6 महीने तक चलता रहे, धीरे धीरे स्वास्थ्य बने। 6 महीने तक चलनी चाहिए औषधि। लेकिन गुरुत्व का तरीका ये होता है कि शिष्य को उतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन मेरा जो मेरा आश्रित है वो अधूरा है, ये गुरु से सहन नहीं होता। आंखें होते हुए भी मेरा शिष्य ब्रह्म को नहीं देख रहा, ये गुरु को सहन नहीं होता। आंखें भी है ब्रह्म भी है, दोनों आमने सामने। दर्शन और दार्शनिक
दोनों आमने सामने होते हुए भी अगर एक दर्शनार्थी को दर्शन नहीं हो रहा तो ये गुरु से बर्दाश्त नहीं, शिष्य बर्दाश्त कर सकता। जब विलंब होता है तो उससे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गुरु से सहन नहीं होता। हर गुरु की एक कोशिश होती है, जितना समय उनको लगा है तत्व दृष्टि को प्राप्त करने में, शिष्य को उससे कम टाइम लगना चाहिए। गुरु ये नहीं कहेंगे कि हमको भी 10-10 साल लग गए थे, इतना आसान नहीं है, हम भी सालों तक लगे थे, लेकिन गुरु की कोशिश है अगर मुझे 10 साल लगे तो मेरे शिष्य को साल भर में ये परिणाम आना चाहिए, अगर मुझे साल भर में प्राप्ति हुई तो मेरे आश्रित को महीने भर में ये परिणाम आना चाहिए। हमको विलंब हुआ, ये हमारी अपनी कमजोरी है, क्योंकि गुरु का होने में टाइम लगता है, जितना भी टाइम लगता है, शिष्य को गुरु का होने में टाइम लगता है, गुरु को देने में कोई टाइम नहीं लगता। इसलिए जरूरी नहीं, एक व्यक्ति को अगर 10 साल लगा तत्व चिंतन तक जाने में तो दूसरे को भी 10 साल, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि सबको 10 साल लगे, क्योंकि कुछ लोग स्वभाव से ऐसे होते हैं, उसको किसी का होना ही नहीं आता जल्दी, और जब हम किसी का होते ही नहीं है, तो जितना टाइम लगता है हमको उनका होने में लगता है, और जब हम हो गए हैं तो गुरु को देने में कभी विलंब नहीं होता, कोई टाइम नहीं लगता। देखिए शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य टोटकाचार्य जी को, बड़ी प्रसिद्ध कथा, ऐसी बहुत सारी कथा है, जो कल कुछ नहीं थे आज सब कुछ है, ये गुरु कृपा। कोई कहता है कि हमने 20 साल मेहनत की और उसके बाद हम गुरु कृपा से बन गए, तो उनको खुद कोई तय नहीं हुआ कि 20 साल से हुआ कि गुरु से हुआ, खुद कोई निश्चित नहीं हुआ, लेकिन सदगुरु की अति 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 कृपा वो लोग महसूस करते हैं कि जिनको कुछ सीखने करने का मौका ही नहीं मिला, उनके पास कोई दावा नहीं है कि हमने भी कुछ किया है, कोई दावा नहीं हमारा, एक ही बात है, जो है वो प्रसाद है। दसवीं साल के मेहनत के बाद जो प्राप्ति हुई और हम कहें, तो हो सकता है कि हमारे मन में ही निर्णय नहीं हो रहा कि हमारी 10-20 साल की मेहनत है या फिर गुरु की कृपा है, क्योंकि हमने तो दोनों ही किया ना, तो उसमें आखिर है क्या असल में, उसका निर्णय खुद शिष्य से नहीं हो पाता। ऐसे में वो कभी गुरु का एहसान मानता है, कभी नहीं मानता, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत हुई ना, इसलिए कभी गुरु का एहसान मानोगे कभी नहीं मानोगे।